बरेली जिले के बीचरी चैनपुर थाने के दो सिपाहियों की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जहां किसी बात को लेकर दोनों सिपाहियों ने एक दिव्यांग नाबालिग को दौड़ाकर पीटा। वही पिटाई की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने दोनों आरोपित हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह और कांस्टेबल नवीन मलिक को सस्पेंड कर दिया है। बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सिपाहियों की बदसलूकी का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक शख्स को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एसएसपी ने दोनों आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। तो बरेली की तस्वीरें, जहां पर सिपाहियों की बदसलूकी का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सिपाही जो है वो यहाँ पर एक नाबालिग को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एसएसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि दो पुलिसकर्मी, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, एक 14 वर्षीय युवक को लाठी से मार रहे हैं। मेरे द्वारा इसमें तत्कालीन संज्ञान लेते हुए दोनों ही पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। दोनों ही के विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है उसको संस्थित कर दिया गया है और दोनों ही के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की जो दुर्व्यवहार है जनता के साथ, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के जो मामले हैं उसमें कठोर जो कार्रवाई है उनके ऊपर की जा रही है।